जवानों को गुमराह कर रहे थे और उस गुमराही की वजह से आप देख रहे हैं हमारे कितने कब्रिस्तान भरे गए, और आज वो गुमराही ख़त्म हो गई। 5 अगस्त 2019 के बाद वो गुमराही अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, और वो पॉलिटिकल पार्टियां आज भी वही चाहती हैं। जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखते हैं, नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूँगी कि उनका आज भी वही मकसद है कि कब यहाँ से फिर से बेचैनी और बेकरारी शुरू हो जाए और कब यहाँ पे फिर से वो खून खराबा शुरू हो जाए। उनका सिर्फ मकसद ये है, उनका कभी ये मकसद नहीं रहा कि आम कश्मीरी खुश रहे, अपना कारोबार करे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया वो ये है कि हिंदुस्तान के साथ हम ठीक हैं, खुश हैं, और ये इलाहाक कायम व दाइम है। अब इस पे कोई संदेह नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे।